हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन क्रिएटिन सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्रिएटिन होता क्या है और क्या प्राइस रहती है, कितनी डाइट में, कितनी क्वांटिटी में इसको एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास एक ब्रांड का है, AGT नाम का एक ब्रांड है, कुछ 200 रुपीज़ का ये मेरे को पड़ा था। अब सबसे पहले जो इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों अपन को क्रिएटिन लेना पड़ता है, जैसे वेयर प्रोटीन मसल्स को बिल्ड करता है, वैसे ही क्रिएटिन जो काम करता है वो आपकी जो बॉडी में मसल्स को हाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेटेड रखता है, पूरी तरह वाटर रिटेन करता है। इसकी वजह से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी मसल्स एक्सरसाइज के दौरान जो आपकी एबिलिटी है, जो पावर लिफ्टिंग की, जो एबिलिटी है, अगर आप वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और ये बिल्कुल इसेंशियल है, अपनी बॉडी खुद जनरेट करती है 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में जो क्रिएटिन पर डे के हिसाब से, और ऑन एन एवरेज 100 से 140 ये ग्राम तक अपनी बॉडी में ये होती है, ये स्टोर होती रहती है, बनती रहती है और इसमें काम में यूटिलाइज होती रहती है। जो अपन ज़्यादातर ऐसे सप्लीमेंट्स जैसे मीट बोल दो या फिश, इनसे जो अपन को अच्छी खासी मात्रा में ये क्रिएटिन मिलता रहता है। अब यूजेज जो मैंने पर्सनल फील किया है, इसका जो बेनिफिट पर्सनली फील किया है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ मेरे को लेते हुए, मुश्किल से 10 से 15 दिन हुए, लेकिन इसको लेने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है कि आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो, वो भी जो आपसे टफ लगती है एक्सरसाइज या जो वेट लिफ्टिंग आपकी लिमिट बन चुकी थी उसको भी आप इंक्रीज कर जाओगे। और दूसरी जो शिकायत बॉडी बिल्डर्स की रहती है कि जिम में जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी अच्छी खासी बॉडी होती दिखाई देती है, तो जब मिरर में अपने आप को ऐसे करके देखते हैं तो उनको अच्छी खासी दिखती है, लेकिन जैसे ही घर पहुँचते हैं वो सारी बिल्कुल ड्रेन होके सूख सी जाती है और एकदम पतली पतली सी बाइसेप्स हो जाती है, और घर पहुंचते से लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और इतनी खासी मेहनत की हमने, तो उसको उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी अगर आपने क्रिएटिन नाम का सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हो तो। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण आप समझते हैं, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो मसल्स ने वाटर को रिटेन कर लिया, वाटर को वहीं पर रोक दिया और आपकी मसल्स हाइड्रेटेड हो गई हो, तो आपकी जो बाइसेप है या आपका जो चेस्ट अपर क्वालिटी पार्ट है वो थोड़ा सा फुला सा लगेगा, थोड़ा सा एकदम हाईली ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी मसल्स काफ़ी मोटी हो चुकी है या फिर काफ़ी बड़े हो, बाइसेप्स या हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेंगे। इसके लिए कंटिन्यूसली आपको एफर्ट करते रहना पड़ेगा, और एक एबिलिटी जो इनडायरेक्टली मसल्स ग्रोथ नहीं होती है क्रिएटिन से, आप इस मिसकंसेप्शन में मत जाइए कि क्रिएटिन से मसल्स ग्रोथ होती है, नहीं, इससे इनडायरेक्टली क्यों हो ग्रोथ होती है मसल्स की, कैसे, क्यों अगर क्रिएटिन लेते हो तो आपकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करोगे तो स्टेमिना बढ़ेगा और उससे आपको मसल्स वैसे बन जाएगी। और डेली डोज के बारे में बात करें तो ज़्यादा नहीं 5 ग्राम रिकमेंडेड होता है कि 5 ग्राम आपको लेना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, 5 ग्राम डोज के लिए आपको पर डे चाहे वर्कआउट, अब दिक्कत ये आती है कि टाइमिंग क्या रहे कि वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जब चाहे पूरे दिन में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके खाली पेट इसको कंज्यूम करें, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायरिया टाइप की प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देता है बॉडी में, इसके अलावा इसको डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी को। तो एक सबसे जरूरी प्रिकॉशन यह है वाइल हैविंग क्रिएटिन इन योर डेली लाइफ, आपको यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी वेल हाइड्रेटेड बिफोर कंज्यूमिंग क्रिएटिन। 4 से 5 ग्राम अगर क्रिएटिन आप लेते हो तो आपको 4 से 5 लीटर वाटर पानी पीना पड़ेगा, तभी आपको क्रिएटिन का फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप क्रिएटिन नहीं लोगे तो क्रिएटिन पानी नहीं कंज्यूम करोगे इसके साथ इतना व्यक्तिक मात्रा में, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन, जो हम मेल हार्मोन बोलते हैं, वो DHT में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा उसका कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई मतलब साइंटिफिक प्रूव अभी तक नहीं है, कोई रिसर्च ये प्रूव डायरेक्टली प्रूव नहीं करती कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है, लेकिन एक अजम्पशन ये लगाया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने इस बात को भी नोटिस किया है
कि जैसे ही वो क्रिएटिन को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं, उनकी TST लेवल में इंक्रीज हो जाती है और उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो इससे आपको बचने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अब कुछ एक मिथ्स इसके बारे में है कि क्रिएटिन को कैसे लेना, क्या एक स्टेरॉयड है? ना, क्रिएटिन एक स्टेरॉयड नहीं है, एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपनी बॉडी भी जनरेट करती है, लेकिन उस मात्रा में, उस क्वांटिटी में ये जनरेट नहीं कर पाती जितनी एक एथलीट को, एक जिम जाने वाले बंदे को आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके पीछे एक क्या क्रिएटिन छोड़ने पे मसल्स लूज हो जाती है? बिल्कुल सही बात है, कुछ टाइम के लिए मसल्स लूज हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कि अगर क्रिएटिन लेते हैं तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है उस बॉडी के पार्ट का, वो मसल्स में, और वहाँ से मसल थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, फुली हुई सी लगती है। लेकिन जैसे ही अपन क्रिएटिन को छोड़ते हैं, वहाँ से वाटर रिटेन नहीं होता है, वो डी ड्रेन होना शुरू हो जाता है और अपन की मसल्स वापस थोड़ी पतली लगने लग जाती है या फिर बॉडी में थोड़ा सा कमी आने लग जाती है। तो इससे, हाँ ये बात सही है कि रिटेंशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे आ जाती है, क्योंकि आपने इस दौरान वेट लिफ्टिंग भी की है, आपने वे प्रोटीन का यूज़ किया है, मसल बिल्ड भी हुई है, तो वो कह सकते हैं कि 1 to 5 अगर इंक्रीज हुई तो 4 पे आके रुक जाएगी, यानी 1 का तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। अगर रोकनी नहीं चाहिए, क्रिएटिन आप डेली लाइफ में 3 to 5 ग्राम ले सकते हो, कोई इस पर वो साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि किडनी डैमेज की समस्या आती है, अभी तक ऐसा साइंटिफिक किसी भी रिसर्च ने ये प्रूव नहीं किया है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं होती है, रेयरली, मैन टू मैन डिपेंड करता है कि कोई किसका इसके प्रति क्या बिहेवियर रहता है, किसका कैसा रहता है। सस्ती सी चीज़ है, 200 रुपीज़, और इंक्रीज कर देती है स्टेमिना को, कॉन्फिडेंस को। ऐसा नहीं है कि आप ऋतिक रोशन की तरह पहले ही दिन में बहुत शानदार बॉडी, मस्कुलर बॉडी वाले हो जाओगे, लेकिन यह है कि ये बॉडी भी आपकी इंक्रीज कर दे। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे, मुझे पता है क्वालिटी वीडियो की कमज़ोर थी, फिर भी अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।